रचिन कॉनवे की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी से जीता न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में किया विजयी आगाज। इस मैच में डेवन कॉनवे ने पहले अपना शतक पूरा किया, उन्होंने 83 गेंदों पर सैकड़ा जड़ दिया। वह न्यूजीलैंड के लिए विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि उनका यह रिकॉर्ड कुछ ही मिनटों में टूट गया। रचिन रविंदर ने 82 गेंदों पर शतक जड़कर कॉनवे को तुरंत ही पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड ने विश्व कप के पहले मैच में ही खतरनाक तरीके से जीत हासिल की। उसने खिताब जीतने की प्रबल दावेदारी माने जा रहे इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार 5 अक्टूबर को वनडे विश्व कप के 13वें संस्करण का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही उसने विश्व कप 2019 के फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाकर मैच को जीत लिया। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रचिन रविंदर ने कमाल कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 273 रन की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की। कॉनवे ने 121 गेंदों पर नाबाद 152 रन बनाए। रचिन रविंदर ने 96 गेंदों पर 123 रन बनाए। कॉनवे ने अपनी पारी में 19 चौके और 3 छक्के लगाए, वहीं रचिन ने 11 चौके और 5 छक्के जड़े। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। इंग्लैंड की टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 रन के आंकड़े को नहीं छू सका। तान जोस बटलर ने 43 रन बनाए, जॉनी बेस्टो ने 33, हैरी ब्रोक ने 25 और लियम लिंगस्टन ने 20 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाजों को मैच में खुलकर नहीं खेलने दिया। तेज और स्पिन के मिश्रण ने इंग्लिश टीम को काफी परेशान किया। तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। स्पिनर मिशेल सेंटर और गेन फिलिप्स को 2-2 सफलता मिली। ट्रेंट बोल्ट और रचिन रविंदर को 1-1 विकेट मिला और न्यूजीलैंड की टीम ने 282 रन के आसान लक्ष्य को 36.2 ओवर में बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया और इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया और इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।